चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम की सख्ती के बाद भी अफसरों की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही। शाजापुर कलेक्टर के बाद अब देवास में तहसीलदार ने की है बदजुबानी। कलेक्टर की तरह ही तहसीलदार पर भी कार्रवाई हुई है। मामला क्या है आइए दिखाते हैं। तुझे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। क्या करोगे तुम? एमपी में अफसरों की बदजुबानी पर ब्रेक नहीं लग रहा है। कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैंने। जरा ये भाषा सुनिए। तहसीलदार हैं ये देवास के सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। जिले के कुमारिया राव गांव में खड़ी फसल के बीच खेतों में बिजली के खंभे लगाने को लेकर किसान और तहसीलदार अंजलि गुप्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान किसान के बेटे ने अंग्रेजी में कह दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इतना सुनते ही तहसीलदार भड़क गई, बोली, चूजे हैं ये, अंडे से निकले नहीं, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। तहसीलदार की बदजुबानी का वीडियो सीएम तक पहुंचा। सीएम ने फौरन संज्ञान लिया, बोले ऐसी अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की सख्ती के बाद तहसीलदार पर एक्शन हुआ, उन्हें जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया। एक्शन हुआ तो तहसीलदार की भी सफाई आई। उन्होंने कहा कि किसानों ने काम रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने किसानों को समझाया था। किसानों का भी यही कहना है कि अब कोई विवाद नहीं है। क्या करोगे तुम? ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी अधिकारी ने आम लोगों से यूं बदजुबानी की हो। इससे पहले शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ऐसे ही मामले में नप चुके हैं। कलेक्टर ने एक मीटिंग के दौरान ड्राइवर से उसकी औकात पूछी थी। इस घटना का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर कलेक्टर को हटा दिया गया। क्या करोगे तुम? सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार कहते रहे हैं कि एमपी में गरीबों की सरकार है, गरीबों से गलत व्यवहार नहीं चलेगा, लेकिन कार्रवाई के बाद भी अफसर हैं कि मानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट के बाद अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कैसे बदजुबान हो रहे हैं अफसर और बदजुबान ऑफिसर्स पर सरकार सख्त है। मध्य प्रदेश में पहले शाजापुर का मामला सामने आया, जहां यहां कलेक्टर ने ड्राइवर से पूछ ली थी उनकी औकात। कलेक्टर किशोर कन्याल ने बैठक की और बदजुबानी कर दी एक ड्राइवर से, और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काफी सख्त एक्शन लिया था। कलेक्टर को हटा दिया गया था। कलेक्टर के बाद तहसीलदार महिला की भी बात कर लेते हैं। देवास में महिला तहसीलदार ने भी बदजुबानी कर दी थी। तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने किसानों से बदसलूकी की और किसानों को कहा कि चूजे हैं। और सीएम ने इस मामले पर भी तत्परता दिखाई, गंभीरता दिखाई। सीएम ने तहसीलदार पर एक्शन लिया, तहसीलदार को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश भी राम भक्ति में डूब चुका है। प्रभु श्री राम की निशानियां मध्य प्रदेश के भी कण कण में हैं। वनवास के समय प्रभु राम ने यहां की धरा को धन्य किया था। श्री राम के चरण जहां पड़े थे, उस श्री राम वन गमन पथ का फिर से निर्माण किया जा रहा है। शिवराज सरकार के समय शुरू हुई योजना को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने चित्रकूट में बैठक भी की है, इसी मसले को लेकर राम वन गमन पथ पर चर्चा की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में हुई इस बैठक में, और तीन चरणों में निर्माण होगा राम वन गमन पथ का। 10 जिलों से होकर गुजरता है ये पूरा पथ। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार राम वन गमन पथ है क्या और एमपी में से लेकर क्या तैयारी चल रही है।
मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ की बात करें तो चित्रकूट, सतना, शहडोल राम वन गमन पथ से जुड़े हुए स्थल हैं। पन्ना, जबलपुर, विदिशा में भी राम वन गमन पथ वहां से होकर गुजरता है। तीन चरणों में राम वन गमन पथ का विकास अब एमपी की सरकार करने वाली है। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर काम करेंगे इस दिशा में, जहां केंद्र सरकार खर्च का बड़ा हिस्सा वहन करेगी। शिवराज सरकार ने गठित किया था रामचंद्र पथ गमन न्यास। न्यास में है 33 सदस्य, योजना को आगे बढ़ा रही है मोहन यादव की सरकार। चित्रकूट में राम वन गमन पथ पर सीएम ने बैठक भी की। एक दशक से जारी है पथ के निर्माण की कोशिशें, कई बार किए जा चुके हैं सर्वे भी। एमपी के 10 जिलों में राम वन गमन पथ से जगहें जुड़ी हुई हैं। तो पूरा एमपी इस समय राममय हो चुका है। एमपी क्या कहें, हम पूरा देश इस समय राममय हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी राम वन गमन पथ को विकसित करने की बात कही जा रही है। अपर्णा, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की, जिन्होंने कह दी है भूगोल बदलने की बात। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभी केवल 370 हटाई है, अभी सिर्फ इतिहास बदला। एक मौका और दे दो, हम भूगोल को भी बदल देंगे, ये बात कही रामेश्वर शर्मा ने। उनकी माने तो राजा राम के बेटे लव की राजधानी लाहौर थी और उससे भी हम लेकर रहेंगे। 370 हटाइए, अभी केवल तुमने इतिहास बदला है, एक मौका और देना। मैं देवास की चामुंडा की धरती पर बोलकर जा रहा हूँ, अगले मौके में भूगोल भी बदल कर दिखा देंगे। ये आपको हम बता देना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। जिन लुटेरों ने लाहौर कराची दी है उनको बता देना चाहते हैं, लाहौर कराची उनके बाप की नहीं है, राजा राम के बेटे लव की राजधानी लाहौर थी। एक दिन उसको लेकर रहेंगे। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर किया है पलटवार। वो एक सीनियर एमएलए हो गए हैं, उन्हें वो चीज़ बोलना चाहिए जो लोगों के भी समझ में आ जाए और जिसे वो खुद भी समझते हों। कई इतिहास और भूगोल जो भारत का बदलने का संकल्प लेकर आए थे उनका आज नामोनिशान नहीं है। सत्ता के गलियारे में घूमते हुए वो अहंकारी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सर, दूसरा राजस्थान की बजाय। और अब शाकाहारी लोगों के लिए एक खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो कोविड का डर थोड़ा कम है। हाल ही में की गई रिसर्च के मुताबिक शाकाहारी लोगों को कोविड का खतरा 39% तक कम हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उनमें प्लांट बेस्ड या शाकाहारी भोजन करने वालों की तुलना में कोविड का खतरा ज्यादा रहता है। दुनिया भर में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ा हुआ है और संक्रमण के मामलों में उछाल भी देखा जा रहा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट 40 से अधिक देशों में फैल भी चुका है। अमेरिका जैसे देशों में एक और संभावित लहर को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में ये रिसर्च शाकाहारी लोगों के लिए राहत भरी खबर। वायरस के मामले वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका जो जोखिम है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक चिंता बनता जा रहा है। तमाम स्टडीज जो हैं वो कोरोना पर की गई हैं, लेकिन अभी एक हाल ही में एक स्टडी हुई है और इस अध्ययन में ये सामने आया है कि डाइट और कोरोना का आपस में संबंध है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साफ तौर पर इस स्टडी में बताया गया है कि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन का सेवन करते हैं या ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं उनके लिए खतरा बहुत ज्यादा है। ये जो स्टडी है ये 700 लोगों पर हुई थी, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों शामिल थे, लेकिन दोनों में ये देखा गया कि जो लोग भी प्लांट डाइट पे हैं या वेजिटेरियन हैं उन लोगों को खतरा कम है और 39% जो खतरा है वो कम हो जाता है। यानी जितनी भी सिवियरिटी आ रही थी वो उन लोगों को आ रही थी जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। साफ तौर से हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जनरल ये देखा गया है कि जिन लोगों को नॉन वेजिटेरियन की आदत होती है उनका PMI और BMI इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है, ओबेसिटी भी होती है और इसके कारण जो है वो वायरसेस जो है वो इजिली
कैप्चर कर सकते हैं और जो लोग नट्स पर होते हैं, मोटे अनाज पर होते हैं, वेजिटेरियन इंडेक्स जो होता है उनका ज्यादा अच्छा होता है तो उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ये स्टडी साफ तौर पर बता रही है कि अगर अपने लाइफस्टाइल या आहार में चेंजेस किए जाएं तो जो कोरोना एक चुनौती सबके लिए बना हुआ है उससे निजात मिल सकती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ये देखा जा रहा है कि अभी भी एक नई लहर की आशंका है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस रिसर्च में क्या निकलकर सामने आया है। कोविड पर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि शाकाहारी भोजन से कोविड का खतरा 39% तक कम हो जाता है। वहीं जो लोग नॉनवेज डाइट लेते हैं उन्हें कोविड का खतरा ज्यादा होता है। सप्ताह में 3 से ज्यादा बार अगर मांस खाते हैं कोई तो उन्हें कोविड का खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है ज्यादा न्यूट्रिशन, ये रिसर्च में निकल कर सामने आया है। वहीं वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में जो शाकाहारी भोजन होता है वो कारगर होता है, ये भी रिसर्च बताती है। प्लांट बेस्ड डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल्स, प्लांट बेस्ड डाइट से इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है, मजबूत होता है, रिसर्च में ये भी दावा किया गया।